हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग की मार्च की लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 और वन यूआई 3.0 की अपडेट लिस्ट के बारे में, जो कि एक और बार फिर से अपडेट होके आ चुकी है। और इस बार ही सैमसंग ने काफी सारे नए चेंजेस किए हैं अपडेट लिस्ट में। तो अगर आप सैमसंग के डिवाइस यूज करते हैं और आपके डिवाइस के लिए सैमसंग ने अभी तक इंडिया के अंदर एंड्रॉयड 11 और वन यूआई 3.0 का जो अपडेट है वो रोल आउट नहीं किया, तो आज की इस वीडियो को आप जरूर से आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 60 लाइक, मुझे पता है आप जरूर से कम्प्लीट कर देंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें सैमसंग के उन डिवाइसेस की जिनको की सैमसंग ने अप्रैल के मंथ में शेड्यूल किया है, तो वो सैमसंग का A50, A50S, M31S, M51, इन चारों ही डिवाइसेस को सैमसंग ने ऑफिशियल एंड्रॉयड 11 और वन यूआई 3.0 की अपडेट लिस्ट में अप्रैल के मंथ में शेड्यूल किया है। लेकिन इन चारों ही डिवाइसेस के लिए सैमसंग मार्च के ही मंथ में एंड्रॉयड 11 और वन यूआई 3.0 का जो अपडेट है वो रोल आउट कराने वाला है। दोस्तों बात करें सैमसंग के उन डिवाइसेस की जिनको की सैमसंग ने मई के मंथ में शेड्यूल किया है, तो वो सैमसंग का A80, A70, A70S, A71, टैब S6 लाइट, टैब S6, इनमें से कुछ डिवाइसेस के लिए सैमसंग अप्रैल के मंथ और मार्च के मंथ में भी कुछ डिवाइसेस के लिए अपडेट जो है वो रोल आउट करा देगा। बात करें अगले डिवाइसेस की जिनको की सैमसंग ने जून के मंथ में शेड्यूल किया है, तो वो सैमसंग का M40, A31, M11, M21S, M01, M01 कोर, टैब S7 LTE, टैब S7 Wi-Fi, इन डिवाइसेस को भी सैमसंग 1.5 महीने पहले ही एंड्रॉयड 11 और वन यूआई 3.0 का जो अपडेट है वो रोल आउट करा देगा। बात करें अगले डिवाइसेस की जिनको की सैमसंग ने जुलाई के मंथ में शेड्यूल किया है, तो वो सैमसंग का A30 और सैमसंग का टैब S5e है। दोनों ही डिवाइसेस को सैमसंग ने जुलाई के मंथ में शेड्यूल किया है, लेकिन इन दोनों डिवाइसेस का जो अपडेट है वो सैमसंग मई या फिर जून के मंथ में ही रोल आउट करा देगा। बात करें अगले डिवाइसेस की जिनको की सैमसंग ने अगस्त के मंथ में शेड्यूल किया है, तो वो सैमसंग का A10, A10S, A20, A20S, A30S, टैब A8 LTE, टैब A10.1 2019, इन सभी डिवाइसेस का भी जो अपडेट है वो सैमसंग जून या फिर जुलाई के ही मंथ में रोल आउट करा देगा। बात करें अगले डिवाइसेस की जिनको की सैमसंग ने सितंबर के मंथ में शेड्यूल किया है, तो वो सैमसंग का M10S डिवाइस और टैब A8 Wi-Fi 2019, इन दोनों डिवाइसेस का भी जो अपडेट है वो सैमसंग जुलाई या फिर अगस्त के ही मंथ में रोल आउट करा देगा। तो दोस्तों ये थी सैमसंग की मार्च 2021 की ऑफिशियल एंड्रॉयड 11 और वन यूआई 3.0 की अपडेट लिस्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।